सर क्या कहना चाहेंगे, प्रेम की पूजा का आज मुहूर्त है, तो सबसे पहले अपना परिचय और कुछ कहते हैं। सर मेरा नाम संतोष चौबे, बाबा से लोग जानते हैं, मैं सिंगर हूँ भोजपुरी से और छोटा मोटा लिख भी लेता हूँ। तो प्रेम की पूजा एक ऐसी स्टोरी है कि टाइटल से भी आप लोग को मालूम पड़ता होगा कि इसमें क्या होगा। और बहुत सारे भोजपुरी पिक्चर आप लोग देखे होंगे और बहुत डायरेक्टर लोगों ने पिक्चर बनाए हैं भोजपुरी, लेकिन अपने फैमिली के साथ नहीं जाते हैं देखने के लिए। ये इस भोजपुरी पिक्चर को आप अपने पूरे परिवार के साथ में बैठ के देख सकते हैं। इसमें कोई भी चीज़ ऐसा कुछ नहीं है कि जो परिवार के साथ में नहीं देख सकते हैं। सिद्धि इंटरटेनमेंट वर्ल्ड प्रेजेंट कर रहे हैं इसको, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? सर ये तो वो तो करेंगे ही, जो करेंगे हाँ बहुत अच्छे से करेंगे। इसमें सबके सब अपने अपने जोड़ लगाएंगे करने के लिए, ऐसी बात नहीं है। इसका अगर बात करें कि शूटिंग कहाँ होगी और कब तक जी सर, अब इसके बारे में तो पांडे जी बताएंगे। पांडे सर जी सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसमें स्टार कास्ट कौन है और स्टोरी क्या किस तरह की होगी? स्टोरी तो बहुत साफ सुथरे है भाई साहब लिखा है। और सबसे पहले मेरा नाम नंदलाल आर पांडे, मैं इस पिक्चर का प्रोड्यूसर हूँ और सभी मीडिया भाई को हमारा सादर प्रणाम। सभी दर्शक आप लोग आए, हमको बहुत अच्छा लगा, सबसे बड़ी खुशी ये बात है। और बोलिए सर, पिक्चर साफ सुथरी होगी ये तो ठीक है, लेकिन पिक्चर कौन से जनर की, कॉमेडी होगी, थ्रिलर है, किस तरह की होगी? पारिवारिक पिक्चर है, पारिवारिक सामाजिक और कॉमेडी सब इसमें सब कुछ। स्टार कास्ट की बात करें तो कौन है इसमें? स्टार कास्ट है आशीष बंटी सिंह और शुभम गौर। शुभम जी आपके रोल के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह का रोल होगा आपका? सर रोल तो अभी डिस्क्राइब नहीं कर सकते, लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया व्यापारियों को सादर प्रणाम करता हूँ और देख रहे इस चैनल को सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। और ये मेरा सौभाग्य है कि पांडे जी ने मुझे एज अ स्टार कास्ट साइन किया और सिद्धि इंटरटेनमेंट वर्ल्ड एक बहुत ही अच्छा बैनर है। और अभी इनकी एक इससे पहले मैंने एक मूवी की है प्रेम रोगी, जो कि बहुत ही अच्छी पिक्चर और बहुत जल्द आप लोग को वो देखने को भी मिलेगी। अभी सेकंड पिक्चर ये करने जा रहे हैं मुझे लेके, प्रेम की पूजा। प्रेम की पूजा टाइटल से ही क्लियर होता है कि प्रेम एक ऐसी पूजा है ना, कि क्या होता है जो माँ का बेटे से होता है, भाई का बहन से होता है, भाभी का देवर से होता है। आज के टाइम पे लोगों ने प्रेम को मजाक बना रखा है, लेकिन ये जो पिक्चर है ना इसका कॉन्सेप्ट बहुत अलग है। इससे लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअल में प्रेम का मतलब क्या होता है, किस तरह का प्रेम दर्शाया जाएगा, ये भी सब दिखेगा। एक भाभी का देवर के लिए लोग भाभी देवर के रिश्तों को भी आज के टाइम पे गंदा कर दिया है, लेकिन इस पिक्चर में आपको ये क्लियर दिखेगा कि भाभी एक माँ के समान है और माँ कैसे अपने बच्चे की सेवा करती है, वो इस पिक्चर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अगर प्रोड्यूसर साहब अगर इसकी शूटिंग की बात करें तो कहाँ कहाँ की लोकेशन रखी है, कुछ इसके बारे में हम बताएँ? जौनपुर में और मिर्ज़ापुर में। फिल्म में गाने कितने हैं सर? 8 गाने हैं। कौन कौन गाने डिसाइड हुआ है? सिंगर की बात करें सर तो बहुत अच्छे अच्छे सिंगर अपने भोजपुरी में भी हो, और सबसे बड़ी बात पांडे जी को मैं सैल्यूट करता हूँ कि भोजपुरी में उन्होंने हिंदी सिंगरों को गवाया, जैसे कैलाश के, अलका याग्निक, उदित नारायण, वो सब इस पिक्चर में उन्होंने गाना गाया हुआ, और भी अपने आलोक कुमार जी, इंदु सोनाली, ये सब लोग हैं इसमें। सर आपसे जानना चाहेंगे कि भोजपुरी पिक्चर है, टाइटल हिंदी है, तो किस प्रकार से इसमें कुछ चुना गया प्रेम की पूजा टाइटल? अभी सर मैंने जो भी करके आया अपना फिल्म अपना प्रेम रोगी, इसी आधार से हमने टाइटल लिया ये। और इसके बाद भी मैंने अभी मेरा अप्रैल में 10 अप्रैल को एक और शूटिंग है, वो राधा तेरे प्यार में, वो भी टाइटल है। एक्चुअली क्या है ना, पांडे सर को प्रेम से बहुत लगाव है तो इसलिए पांडे सर सोचते हैं सब लोग मिलजुल के रहे, सब एक समान रहे और सबके मन में एक दूसरे के लिए प्रेम रहे, इसलिए प्रेम वाली पिक्चरों पर ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। सर आज फिल्म की मुहूर्त हुई है सर जी, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? पहले मीडिया प्रभारी को सबको नमस्कार, मेरा नाम विजय है, सर का है सर, पूछिए कुछ पूछना है सर। आप इस फिल्म में किस प्रकार से जुड़े हुए? मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूं। से आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम धर्मवीर शर्मा है और नेगेटिव कैरेक्टर में कर रहा हूं। यहां बैठा हूं मैं सर, विलन के रोल में जी। हमें काम करने दीजिए। हां सर, आप बोलिए सर, क्या कुछ बोलना चाहेंगे?
पूछिए फिल्म के बारे में बताइए सर, जो फिल्म का टाइटल है कितना खूबसूरत टाइटल है, तो क्या बताइए बैठे तो सामने। देखिए नाम से ही कन्फर्म, नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि प्रेम, प्रेम की पूजा प्रेम से रिलेटेड है, और इसमें परिवार के सभी सदस्य से एक प्रेम किस तरह का, किससे प्रेम कैसा होता है उसमें इसमें बताया गया है। पारिवारिक फिल्म है, परिवार के साथ में आप देख सकते हैं इसको, अच्छे से इंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं, इसमें लव ड्रामा थ्रिलर एक्शन सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। जैसा कि देखा जाए कि बैक टू बैक आजकल भोजपुरी सबसे ज़्यादा चल रहा है, तो उसके आधार पर तो नहीं है ज़्यादा अभी भोजपुरी चल रहा है इस फिल्म में देखा जाए तो? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आजकल जो चल रहा है ना, आजकल चल रहा है उस पे तो बिल्कुल ही नहीं है, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही हटके है, इसलिए कि इसमें हमने इस स्टोरी में कोई भी बल्गर चीज़ें नहीं है, कोई भी मतलब परिवार के साथ अगर देखें आपको थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो ऐसा कुछ है ही नहीं है स्टोरी में, तो ये स्टोरी बहुत ही पसंद आ गई कि अगर इसे अगर करते हैं तो ये हो सकती है सुपर सुपर हिट जाएगी और अच्छा बिजनेस करके देगी। कब तक ये दर्शकों के बीच में आएगी सर? अभी शुरुआत तो दर्शकों को देखने को भी मिल जाएगा शुरुआत, सारा चीजें अभी क्लियर कर देंगे तो दर्शक देखेंगे क्या नहीं, मेकिंग में टाइम लगेगा ना, मेकिंग करने में टाइम लगेगा, उसके बाद आइडिया ये है कि ये मान चले ऐसे हमारे डायरेक्टर साहब बहुत प्रेम की कदर करते हैं, प्रेम की बहुत कदर करते हैं, सबके साथ प्रेम बांटते हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.